भिखारी के केसों में प्रसन्न है और बड़े ताजुब की बात है ये जो चोरी हो रही है ये गुरुद्वारों की हो रही है। उन गुरुद्वारों की जहां पर लोग अपना काम काट काट के एक एक पैसा जोड़ के छोटी छोटी रकम जो है वो समर्पित करते हैं। इन्होंने जब पिछड़ा प्रधान इनकी पकड़ में आया तो इन्होंने उसका इस्तीफा लिया और साथ ही ऐलान किया कि हम इसकी तहकीकात जो है बड़े पैमाने पर करेंगे। इसके इंतजार में हम एक साल रहे। इन्होंने जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑडिटिंग की, बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है डेलाइट कंपनी, डेलाइट कंपनी से इन्होंने ऑडिटिंग करवाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खातों की। जो ऑडिटिंग कंपनियां हैं वो सबसे पहले उनका काम है वो कैश मिलाते हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज के इनकी कैश बुक चेक करी, कैश बुक से के मुताबिक 31 लाख रुपए की रकम इनके खाते में कैश पड़ी होनी चाहिए तोशेखाने में। जब उन्होंने देखी तो रकम 1 रुपया नहीं है और कैश इन हैंड जो किताबों में है वो 31 लाख रुपए। इन्होंने ये जो चोरी की बात थी ये प्रधान के सामने रखी हुई, ये तो बहुत ज्यादा ऐसा अंधेर है। उन्होंने बाकी की ऑडिटिंग भी करी। इन्होंने उस ऑडिटिंग रिपोर्ट को पब्लिक करने से डेलाइट कंपनी को मना कर दिया। उस कंपनी के अपने असूल हैं, देखो उसी को रिपोर्ट देते हैं जो उसको एंगेज करें और किसी को यह रिपोर्ट नहीं देते हैं। मगर उनको इस बात का इलम नहीं था कि ये एक पब्लिक संस्था है, ये एक पब्लिक संस्था है और इस पब्लिक संस्था की हमें रिपोर्ट जो उनसे हैं वो रोक नहीं सकते हैं। लिहाजा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई भाई ये जो डेलाइट कंपनी की रिपोर्ट है ये पब्लिक होनी चाहिए। कल इसका फैसला जस्टिस रेखा पिल्ले हैं उनका नाम, उन्होंने फैसला दिया और आदेश दिया दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा को भाई ये जो है तुम्हें सोमवार तक किसान जो है कोर्ट में पेश करो और इसका जवाब दायर दो भाई तुमने ये ऑडिटिंग रिपोर्ट जो उनसे है ये क्यों नहीं तुमने दाखिल दर्ज की पब्लिक में। आज ये नहीं है ये प्रधान नहीं जानता, ये अपल दर्जे का मस्करा और मकरा प्रधान है। ये कभी भी उस इशू के ऊपर नहीं आएगा जिस इशू के ऊपर ये फंसता होगा, ये हमेशा उस इशू को बाईपास करके अगले इशू के ऊपर चला जाएगा। जैसे एलओसी का इशू है, एलओसी का इशू एक बहुत गंभीर इशू है, उस इशू में ये कोई भी बात मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। ना जाने यहां पर मौजूद कितने पत्रकारों ने कितनी कोशिश की होगी इसका मुंह खुलवाने की, पर बड़े ही उच्च कोटि के पत्रकार जो गूंगे से भी बर्बाद हुए हैं, इतनी क्षमता रखते हैं यहां पर मैं जानता हूं उन पत्रकारों को, वो गूंगे का भी मुंह खुलवा दें पर इस मस्कर का मुंह नहीं खुलवा सके एलओसी के ऊपर। भैया तुमने चोरी की है, एक लुकआउट नोटिस निकला है तुम्हारे ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर पहली दफा लुकआउट नोटिस निकला है, उसका तुम्हारे पास क्या जवाब है। मैं ये समझता हूं भाई ये बादल दल के 100 साल के इतिहास में शायद इससे काला दिन जो है वो हो नहीं सकता। हम संगत से अपील करते हैं वो अरदास करें
इस हरनाकश रूपी वरदान को, जैसे भगत प्रहलाद जी अरदास अकाल पुरख ने प्रवान करके खंभा फाड़ के हरनाकश को पार बुलाया था, ये हरनाकश रूपी वरदान हम परमात्मा और सारी संगत दुआ कर रही है कि हे परमात्मा, ऐसे लूटपाट वाले वरदान को रुखसत कर दे, इससे हमारी जान छुड़ा दे। बहुत लूट लिया इन्होंने, बहुत तंग कर दिया हमारे पास, मजबूर हो गए हम इसकी जास्तियां, इसकी गुंडा कर दी, इसकी बदतमीजियां सहते रहे। मगर कानून ऐसे बने हुए हैं तो वो कानून की इंतजार 22 अगस्त तक हमें करनी पड़ेगी। और मैं अपील करता हूँ ये 22 अगस्त हुआ इस हरनाकश रूपी इंसान को रुखसत किया जाए, क्योंकि ये चोरी के मामले में कोई भी वो नहीं खोल रहा। टेलाइट कंपनी के बारे में इसने जो है वो कुछ भी नहीं लोगों को बताया। और सबसे बड़ा धक्का ये है भाई, हाई कोर्ट ने, जस्टिस प्रतीक जनान की कोर्ट ने, ये जो पैसे बांटने की ये बात कर रहा था इलेक्शनों में, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहा था, ये परखचे उड़ा रहा था ये, इसने अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 110 आदमियों को नौकरी दे दिया है, बहुत पंजाबी वाद के, जिसके पास 5 वोटे हैं वो एक आके इनकी पंजाबी वाद में इनकी नौकरी ले लिया है। 125 आदमियों की इसने पता नहीं वो दे दिया है, इंक्रीमेंट दे दिया। अरे कुछ शर्म करो यार, अरे बस कर दो, गुरुद्वारों के पैसे के ऊपर तुम इलेक्शन लड़ोगे, ये क्या तुम रास्ता दिखा रहे हो आने वाले अपने समाज को, मत लूटो। ये बादल साहब मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बंद कर दो ये लूटपाट, बहुत दुख दे दिया तुमने। आखिरी उम्र में आप परमात्मा का नाम लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, ऐसे तिकार आदमियों को दिल्ली के गले के ऊपर तुमने डाल दिया, जो 8 साल से लगातार लूटपाट कर रहा है, 8 साल से कुप्रबंध कर रहा है, 8 साल के 8 साल में धर्म की हानि कर रहा है, 8 साल में एजुकेशन की हानि कर रहा है, 8 साल में दिल्ली के लोगों ने जो एक मन में धारा था एक हमारा अस्पताल हो उसको नष्ट कर दिया इस शख्स ने। और बराबर बाकी की बात क्या है, मैं अभी आया हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के बाहर लिखा हुआ है एम्बुलेंस दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो सरदार मंजीत सिंह सकरा मेरे साथ थे, ये पलट के देखते हैं बीच में इनके मैनिफेस्टो की और वो दूसरी कापियां एम्बुलेंस में भरी हुई हैं, जो कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए है, वो इनकी कापियां ढो रहे हैं। ये इसकी लाइव वीडियो बनी हुई है, ये इलेक्शन संबंधी जो कागजात है वो एम्बुलेंस में ढो रहे हैं। ये खून के आंसू नहीं है, ये मकारी के आंसू हैं, धोखेबाजी के आंसू हैं, ये जैसे मगरमच्छ के आंसू थे ये वैसे मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इनको दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली की संगत के साथ, गुरुद्वारों के साथ कोई प्रेम नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट प्रोग्राम है, गुरुद्वारों को लूट लूट के बादलों का घर भर दो और अपना घर भर दो। हजारों करोड़ के मालिकों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं जो लोग इनका खाना खाते हैं वो भी अपना अगा कर रहा हूं, ये सारा खाना पैसा गुरुद्वारे की लूट का पैसा है, ये गुरुद्वारे के पैसे से ये लोगों को खाना खिलाता और पैसे देते हैं उनको बांटता है, गुरुद्वारे के पैसे से ये अपने सारा इलेक्शन में ये लूटता है, ये सारा चला रहा है जितना भी कैंपेनिंग है इसकी। और ये जो उन्होंने रोक लगाई है इसके ऊपर, मैं उस रोक को सही मानते हुए मैं कहता हूं भाई देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इलेक्शन से सिलसिले में गुरुद्वारे पे लूटना, लूटपाट करनी, ये एक जायज सीख बात नहीं है। और ये पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए भाई, गुरुद्वारों को पैसे से नहीं, अपने पैसों से इलेक्शन लड़े, अपने पैसों से है तो लड़ो, नहीं है तो मत लड़ो। ये गंदी आदतें तुमने डाली है, शराब का चलन तुमने दिया है, पैसों का चलन तुमने दिया है, भीम का चलन तुमने दिया है,
क्या कहा परोपकार बादल साहब तुमने सिख कौम को दिया है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आखिरी वक्त जो लम्हा है आदमी को पता लग जाता है मैं जाने वाला हूं, उस लम्हे में आपको याद आएगी ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साथ की हुई एक एक बात आपको याद आएगी और वो आपको तंग करेगी। अभी भी समय है बादल साहब माफी मांग लो, दिल्ली की संतों से माफी मांगो, गुरु तेग बहादुर साहब के दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ो और माफी मांगो, तुम्हारा जो आखिरी टाइम है वो बहुत अच्छा जाएगा, मांग लो माफी। मैं इतनी सी बात करते हुए संक्षेप में अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछो। एलओसी के बारे में जवाब, एलओसी देखिए हमने आज ये छेवा मेरा सवाल है एलओसी के बारे में, जवाब क्या देगा? आज ही मैं चोर एलओसी निकला हुआ है, जो लुकआउट नोटिस है वो निकला हुआ है, उसमें पहली दफा जज ने लिखा ये गोलक चोर है, ऐसे कभी जज लिखते नहीं है पर इन्होंने गोलक की चोरी की हुई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई हुई है, पैसा खुद खुद हुआ है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, ये लिखे गए गोलक चोरी लिखी गई है। अब क्या जवाब देगा मैं गोलक चोर, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, वो कभी भी जवाब नहीं देता जिसमें वो फंसता हो। सर आपने भी कई बार किसी करके कहा है, कभी आपने देखो इंटरव्यू भी कहा है कि मैं एफआईआर वापस ले लूंगा, तो इतना वो आज भी अपने स्टैंड पे था, गुरु से माफी मांगे, संगत से माफी मांगे, मैंने गलती किया, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा, सरकार के खिलाफ मांगे, माफी तो मांगे ना, गुनाह का कबूल करे, गुनाह कबूल कर दे, मुझे उसको जेल भेजने में कोई मेरे को मेरा कुछ हासिल नहीं है, संगत को पता होना चाहिए यहाँ ये चोर है, ये चोर है, इसने चोरी की है, काल तक हमने गुहार की। अगर उस वक्त काल तक तख्त का जथेदार 5 मार्च 2020 को ये चोरी का संज्ञान ले लेता, उसी चोरी में इसका लुकआउट नोटिस निकला है, तो ये नौबत आज संगत के सामने ना आती और दिल्ली के सिखों की फजीहत ना होती अगर काल तख्त का जथेदार इसका संज्ञान ले लेता। अफसोस की बात है, कहता है चोरी बड़ी है, मैं इसमें चोरी बहुत बड़ी है सरना जी, इसकी मैं कमेटी बनाऊंगा, 15 दिन में कमेटी बनाऊंगा, 2 महीने में फैसला दूंगा, अकाल तख्त के पटल के ऊपर बैठ के जथेदार अपनी बात ना पूरी कर सके, ये बादलों के दबाव में आकर, ये हमें एक अफसोसनाक अध्याय है जो सिखों के इतिहास में लिखा जाएगा। सवाल है कोर्ट ने क्या है कि ये गोलक चोर है, देखो जी मैं कानूनी सलाह कर दूंगा, तुसी बड़ी अच्छी सलाह दीती है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद होके मैं अपने वकील नाल गल करांगा, पर मैं ना चाहता हैगा भी इलेक्शन लड़े, लेट ही शुड सी हिज ओन एंड दोनों केसेस दे विच इन्वॉल्वड हैगा, मैं कहना भी सेक्रेटरी दी प्रधान या पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जी सेक्रेटरी की मंगी है कोई ऑडिट रिपोर्ट बारे, उन्होंने इन्हां नूं हुक्म दित्ता जी भई सोमवार तक अपने जवाब किसी कोर्ट विच दाखल करो, ऐ सोमवार 16 तरीक हाई कोर्ट दे विच, समझ लो भई इन्हां नूं कल ही करने पैणी ऑडिट रिपोर्ट जनता करन दी गल भी कोई, उन्होंने कह दी सानूं जवाब दिओ, जनता की जद कोर्ट विच जाएगी ते जनता हो जाएगी, ऐ साहिब जीत सिंह बिंद्रा वाली पिटीशन दी गल है जी, नहीं नहीं ये है कि उसी ऑडिटिंग वाली डिलाइट कंपनी को प्रोसीडिंग कब की गई थी, अडॉप्ट कब किया गया था डिलाइट कंपनी को, किन्होंने किया था, एक सेकंड।
दबाव ये है, एक सेकंड, 2019 की ये बात है, दबाव किस लिए है, उनके अपने कायदे कानून हैं कि उसको जवाब देते हैं जो उसको एंगेज करे। इन्होंने डीएससीएमसी ने एंगेज किया हमारे कहने के ऊपर, हमारी वोटा नहीं दी, तो दिल्ली सरकार ने अडॉप्ट किया, लगाया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये दिल्ली के, देखो जी, इसमें से कुछ धनाढ़ सिख थे जिन्होंने पैसा दिया, कुछ पैसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने शायद दिया, नहीं दिया, नहीं तो धनाढ़ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है, हमें पता तो लगे ना, ये इन्होंने मंजूरी दी है अपनी, इनकी मंजूरी के बिना ये ऑडिटिंग नहीं हो सकती। पर जब ये डैमेजिंग रिपोर्ट आई तो इन्होंने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ जी, चलो कोई नी, करना से आ रही हो, तुम ठीक कर लेना। जी पटीशन पाई कोर्ट की प्ली रखी सी, उस एक सेकंड गुरुद्वारा ट्रैक्टर ने जो जवाब नोटिस इन्होंने फाइल दिता सी, उहो कोर्ट जिन्होंने पेश किया ट्रैक्टर ने नोटिस। दूजा हैगा जेड़ा है बार बार प्रचार, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी बार बार प्रचारी की ते मीडिया के कुछ हिस्से खबर आई हैं कि भी वर्ल्ड क्लास होस्पिटल बनारसन है, कि एक्चुअल खंडर किन्नी इमारत हैगी, वर्ल्ड क्लास होस्पिटल कितने बनया, किन्ने बैड का, तो कि इन्ने टाइम वर्ल्ड क्लास कोई होस्पिटल तैयार किया जा सकता है, तो अगला किन्ने सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो थोड़े को रोड मैप अगे आने वाले टाइम। देखो जी, गल है कि सब तो पहली गल है कि हर पॉइंट का थोड़ा जवाब दिता जाएगा, मैं कोई भी पॉइंट बाईपास नहीं करूँगा, हर बच्चा हर बंदा अपने आप इंडिपेंडेंट है, कर उस समझता है कि वो खड़ा भी हो सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो समझता है कि ये एक बड़ी मंदभागी गल है कि और ये असी कोई पटीशन जी नहीं पाई, कोई हस्पताल बंद हो जी पटीशन पई हुई है, ये आई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दटियां उड़ गई, 10 साल कोई हस्पताल नहीं बनया, 10 साल तो साढ़े उपर मुकदमे चलते रहे, हाथ जोड़ते रहे भाई ये हस्पताल बनन दो। बादल ने कहा क्योंकि मैं इनकी इनॉग्रेशन नहीं कर सकता, इस करके हस्पताल नहीं खुल सकता, साढ़े के उपर इल्जाम। 1962 के विच एक कवि ने बड़ी अच्छी गल्लां लिखियां दो लाइनां दे विच, ए वेखो दुनिया के तौर बजन साध ते छुट्टण चोर, कमाल की गल है कि असी कह रहे हैं हस्पताल बनाना है, साड़ी जिंदगी मौत की लड़ाई है, हस्पताल शुरू हो गया है, और उहदे विच अज हस्पताल दे विच डाक्टर कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, 32 परमिशन चाहिए हस्पताल खोलन की, कैन यू शो इवन 1 परमिशन। वो कह रहे हैं कि 32 परमिशन के नाल जो पहला हॉस्पिटल चल रहा है उसी प्रीमियर से सर, कोई दिखा दो, कोई दिखा दो, देखो ये परमिशन दिखा रहे हैं जेड़ा के ऑलरेडी 40 बेड का हॉस्पिटल है, वो लहदा हॉस्पिटल है, उसकी एंटिटी लहदा है, वो बिल्डिंग लहदा है, वो कैंपस लहदा है, ऑक्सीजन प्लांट लाया ने, कुछ है तुहाडे कोल मेडिकल ऑक्सीजन लगती जे फर्ज करो भांडिया की लगती है, मैं तो दे रहा ना, मैं कोई पैसे थोड़ी लै रहा, नहीं नहीं फर्क होना चाहिए,
देयर इज अ डिफरेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एंड मेडिकल ऑक्सीजन ए मेडिकल ऑक्सीजन बस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही लाइक मेडिकल ऑक्सीजन है और अलग प्लांट विच लगाई यानी अलग अलग प्लांट है खत्म हो गया आओ मैं सारे ने इनवाइट करदा अपना ने ऑक्सीजन प्लांट दस दिंदा तुहानूं बड़ी आ गई जिहड़े तू वादे कीते लोक कित्थे गए तू क्यों 20 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन को लै लिया पहले तू 2 करोड़ क्या उसने 10 करोड़ क्या हूँ इंडिया टुडे दे विच रकम आ रही है 20 करोड़ विद 20 करोड़ पता नहीं चल खाते खुलणगे इसी करके ते ऑडिटिंग नहीं दिखा रहा इसी करके नहीं दिखा रहा ओदे विच चोर साबित होएगा है चोर नहीं डाकू ऑस्ट्रेलियन सर जी मैं कह रहा जी आज तुहानू मैं छोटी जी गाथा दसदा गाथा है कि किसी महापुरुष ने लिखी दसी है तीन तरह के आदमी होंगे पहला होंगे चोर उसका मकसद होता है दौलत लुटन का नेरे जाके हाथ पैर मारता है चोरी करने की कोशिश करता है दूसरा होंगे डाकू वो बंदूक की नोक नाल पैसा लुटन की कोशिश करता है मकसद उसका भी पैसा लुटन का है तीसरा होंगे ठग चिट्टे कपड़े पा के आएगा जे सिख ते सोनी पग बन के आएगा मिठिया मिठिया गल्लां करेगा लोगों को फसाएगा लोगों को दसेगा मैं तुहाडे विचों ही कहता मैं तुहाडा सेवक हैगा ए वेखो सरने ने मेरे उत्ते की कीता ए देखो जी ए मेरे ते तुसीं विश्वास करो लोगों ने विश्वास किया 8 साल टुट टुट के गुरुद्वारा कमेटी खोपड़ी करते और सब तो खतरनाक इन्हों तिना विचों कोई होंगे चोर डाकू तो ठग दे सब तो खतरनाक ठग होंगे और ये ठग है सना जी 1971 की जो बात कर रहे हैं कि जो जितने भी कानून अभी तक उन्होंने जो भी मांग करी आके से पैसा आया और दुनिया भर का क्या वो सभी पे रोक की बात करेंगे कि इस टाइम देखिए पैसे आने की देखिए पैसे पैसे आने की देखिए पैसे आने की कोई रोक नहीं होती है पैसा खर्च करने की देखो ऐसा होता है आने की कोई रोक नहीं है दुनिया रोज मत्था टेकती है ना हम यह थोड़ी कह सकते हैं किसी को तुम मत्था ना टेको ये कोई भी रोक नहीं है रोक होती है भाई तुमने संस्था के पैसे नहीं खर्च करने हैं उसकी निगरानी तो भैया ये जो खर्च करते हैं इनका अपना करेक्टर चाहिए अगर ये पकड़े जाएंगे कार्गो ऑडिटिंग में इनकी इलेक्शन नाल इनवाइट हो जाएगी अब जैसे अब ये आज कंप्लेंट बढ़ गई है इसको इनको शो का नोटिस हो जाएगा भाई तुम एम्बुलेंस की गाड़ी में अपनी पार्टी के तुम बता रहे हो मैं कहता हूँ जी ये आज इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी दिल्ली के द्वारा कमेटी के दफ्तर में अधिकार नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपने यहाँ पर करो वहां नहीं है गुरुद्वारा प्रिंटिंग प्रेस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज रॉन्ग सिरसा और बार बार वीडियो बाइट्स आ रही हैं जिदे च वह सीधा इल्जाम थोड़े ते ला रहे हैं कि भी तुसी हॉस्पिटल नूं रुकवाता है सारा कुछ करवाया चलो तुहानूं सुनाई है ना कल रेडियंट हेल्थ केयर मनीपाल ग्रुप बीएल कपूर जो समझौते हुए थे टाइम टू टाइम उन्होंने की खामी से गुरु हरकृष्ण मेडिकल ट्रस्ट से जो रोल से कोर्ट ने क्यों इन्होंने पटीशन पाई से मतलब रिजेक्ट क्यों होया अगे रोड मैप की है हॉस्पिटल देखो जी सब तो पहली गल दसा जी इन्होंने पटीशन पाई थी भाई ट्रस्ट गलत है वो पटीशन खारिज हो जाएगी इन्होंने वो जज का गलत ऑर्डर से जो कि हाई कोर्ट ने उन्होंने रिवर्स कर दिता है वो जजमेंट साढ़े हाथ में आई है साड़ी जी उन्होंने एग्रीमेंट होया उस कोई नुक्स नहीं कर सके उस तो अच्छा एक कोई एग्रीमेंट सानू दस भी नहीं सके उस तो अच्छा कोई एग्रीमेंट कर भी नहीं सकते जो एग्रीमेंट होया उसी इस तो को अच्छी चीज़ दिती है तुसी को वर्गी चीज़ भी दिती है जे दिती है तो दसो जे है तो बनी क्यों नहीं तुसी एक घटिया काम करके सिखां दे अक्स नूं दुनिया भर के खराब किया किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए साढ़े व्यापार का यह पहला सूल है ये व्यापार का पहला सूल है किसी का पैसा छड़ना नहीं चाहिए साढ़े व्यापार का सूल है किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए किसने उन्होंने पैसे मारे है गए मुकदमे फसाए है गए उन्होंने तौंस दे के उन्होंने को पैसे कट्टे नु चले गए पैसे अपने लै लेते कोई उद्देश जो नुक्स हों साड़ी जान छड़ दे साढ़े तो कपड़े फाड़ के रख देने तक बगैर नुक्स के कपड़े फाड़ रहे
ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 10 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮਨੀਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮਨੀਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਫਲੋਰ ਹੋਰ ਪਾਏ ਕਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 500 ਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ 550 ਕਮਰੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਵਕਤ PL ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ PL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ PL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਵੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੁਣਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬੇ ਪਾਈ ਗਿਆ कोई जवाब नहीं जेड़ा पहला डायलिसिस का जेड़ा इन्होंने बनाया हॉस्पिटल उठे वाटर प्लांट लगा 18 लाख ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਰਜਿਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਰ ਚੱਲੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 7 ਸਿਰਫ ਡੈਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 3 ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਨਿਪਟ ਦਿੱਤੇ 7 × 21 ਪੈਸਾ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹਿਲਾਂ NGO ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਸੀ ਹੁਣ NGO ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1700 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 550 ਰੁਪਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 1150 ਰੁਪਇਆ NGO ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਆੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਾ 50 ਕਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ बार बार कह रहे डेंटिस्ट भी फ्रेंडली आ गया ये हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल फिर जरा इन्होंने रकाब बैंक गुरुद्वारे आप लोगों ने उसे गाने तक गुआ दिते ये गुरु मनने वाले मैं बस इधर ये कहना हो और अगर किसी ने भी चलना है मेरे नाल चलो तुसी मैं चल मैं अर्ज की थी भाई इतने जा रहे बाला साहब साल तुसी मीडिया उन्होंने नाल जाओ हाँ मनी गारंटी 600 करोड़ की और प्रोजेक्शन 800 करोड़ 50% ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ 50% ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ 10% ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਕੀ ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਪਲਾਨ ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਈ ਮਨੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ